नमस्कार, हमारा हटेला रिव्यू फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की घटना जो है बहुत खतरनाक है। रामगढ़ जिला के मांडू थाना अंतर्गत बोरासोंगा गांव के एक नाबालिग बच्ची जो बिल्कुल अपाहिज है, वो उनको एक दरिंदा ने अपने हवस का शिकार बनाया। क्या है घटना, आइए विस्तार से बताते हैं। ये घटना वो है कि वो अपाहिज बच्ची अपने घर से बकरी को चराने के लिए जंगल की तरफ गई थी, लेकिन वहाँ पर कुछ मनचलों ने उसको घात लगा के बैठी हुई थी। और जैसे ही ये मासूम बच्ची अपाहिज बच्ची उस जगह पर जाती है, जाने के बाद उस मनचलों ने इनको पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद इसको जंगल के अंदर घसीट के ले जाता है। और वहाँ पर ले जाने के बाद वहाँ पर अपनी जमीर, अपनी मानवता को शर्मसार करने वाली घटना को अंजाम देता है। उसके बाद उस 14 साल के नाबालिग बच्चे के साथ वो उनका हवस का शिकार बनता है, उनको दुष्कर्म करता है। उसके बाद वो बच्ची किसी तरह से अपनी जान बचा के वहाँ से अपने घर की ओर वापस लौटता है। जब घर वापस आने के बाद सारे घटना को अपने परिवार वालों को बताता है। उसके बाद परिवार वाले सुनने के बाद गांव में काफ़ी शोर शराबा हंगामा हुआ, लोग काफ़ी ये होने लगे, अफरा तफरी मचने लगा, क्योंकि पीड़िता के परिवार जिनके बच्ची के साथ इस प्रकार घटना का अंजाम दिया गया था, वो परिवार वाले काफ़ी शोर शराबा करने लगे। उसके बाद गांव वाले जुट गए और झूठ हो गए, और भीड़ होने के पश्चात वहां पर पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। पुलिस वहां पर आई और पुलिस आने के बाद वहां पर सारा मामला को जांच पड़ताल किया गया। जांच पड़ताल करने के बाद वहां का जो मामला जो आया वो बहुत ही खतरनाक है। खतरनाक इसलिए है दोस्तों कि वो बच्ची के साथ जो रेप किया गया वो अपाहिज है, वो किसी प्रकार से एक जगह से दूसरे जगह जा पाती है, उसको भी किसी मनचलों ने अपनी हवस का शिकार बनाया। हम अपने झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन से कहना चाहते हैं कि सर, कब तक ये होता रहेगा, किसी नाबालिग को उनका देह का शिकार कब तक बनाया जाएगा? आप ऐसे मनचलों के खिलाफ कानून क्यों नहीं बनाते? ऐसे सख्त से सख्त कानून बनाइए कि ऐसे मनचलों को इस प्रकार की गंदा घिनौना हरकत करने से पहले एक बार नहीं 100 बार सोचे, ताकि अगले बार किसी भी बेटी बहू और मासूम बच्ची का दुष्कर्म इस प्रकार ना किया जा सके। इस घटना को सुनने के बाद आपको किस तरह लगता है, अपनी राय और विचार कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। साथ में मेरा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद, शुक्रिया।